हाय दोस्तों, मैं विलास चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिफ्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसेवा केंद्र से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो सभी जनसेवा केंद्र संचालकों के लिए लागू होना कंपलसरी है। मैं बात करूँ पिछले 6 महीने की, तो लगभग 120 CSE सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। बंद होने का रीज़न भी इस वीडियो में बताऊँगा और उससे बचने का तरीका भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए एंड तक। बात करें पिछले 6 महीने की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 120 सेंटर्स को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है परमानेंटली। कुछ को 5 साल के लिए, कुछ को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब वो दोबारा से CSE सेंटर नहीं चला पाएंगे। उसका रीज़न क्या है वो समझ लीजिए। अब आपको अपने जनसेवा केंद्र पर CCTV कैमरा लगाने कंपलसरी हैं। जी हाँ, ये सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि आपको अब जनसेवा केंद्र पर CCTV कैमरा लगे होने ज़रूरी हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपके यहाँ पे चेकिंग हो जाती है, तो आपका जो जनसेवा केंद्र है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा 5 साल के लिए, और ज़्यादा कमियाँ मिलने पर हो सकता है कि आपका वो परमानेंट ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और आपको दोबारा से CSE सेंटर चलाने का मौका ना दिया जाए। उसका रीज़न क्या है वो समझ लीजिए कि बहुत सारी शिकायतें जनता की तरफ से बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुँच रही थी, जिसमें एक तो ओवर चार्जिंग यानी कि रेट जो फिक्स होते हैं उससे ज़्यादा चार्ज होने की वजह से, और CCTV कैमरा लगे ना होने की वजह से, भीड़ लगने के बाद सेंटर्स पे, मान लीजिए आधार सेंटर पे आपके यहाँ कोई आता है और आपके यहाँ नंबर लगे रहते हैं, उसमें फिर आपको जान पहचान का आता है तो उसका काम पहले हो जाता है और जो नंबर लगा के बैठा है उसका काम नहीं होता है, तो इसकी भी शिकायतें हो रही थी। तो इस टाइप से और भी बहुत सारी शिकायतें जो थी बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से अब ये एक नया ऑर्डर आपको दिया गया है कि अब आपके जनसेवा केंद्र पर CCTV कैमरा होने कंपलसरी है। मैं अपने जनसेवा केंद्र की बात करूं तो हमने जब UCL का वर्क स्टार्ट किया था तो उसमें भी कंपलसरी था कि आपको CCTV कैमरा होने ज़रूरी है, तो हमने तो तभी लगा लिए थे। मेरे पास 4 CCTV कैमरा लगे हैं, एंट्रेंस पर 2 लगे हैं और अब ऑफिस के अंदर 2 लगे हैं, तो यहाँ पर पूरी निगरानी में सारा काम होता है। और अब जो है आपके लिए एक नया अपडेट ये भी है कि आपको जो भी आपके सेंटर पर काम करने के लिए आ रहा है उसका एक एंट्री रजिस्टर जो है आपको मेंटेन करना है। वो कैसे मेंटेन करना है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ कॉलम्स रहेंगे जिसमें आपको उनके नाम, उनका एड्रेस और किस काम के लिए वो आया है, और आगे उसका सिग्नेचर जो है आप इसमें लगा करके रख सकते हैं। आपको एंट्री मेंटेन करनी है कि हाँ, आपने आज इतने लोगों का काम किया और इतने लोगों ने यहाँ पे विजिट किया, तो ये आपके लिए कंपलसरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो है आपको भी चांसेस हैं कि विजिट होने पर आपका जो सेंटर है वो बंद कर दिया जाए। अब CCTV कैमरा आपको कहाँ से लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो जो पूरा सेटअप आता है जिसमें आपके 2-4 कैमराज लगे होते हैं, डोम लगे होते हैं, बुलेट कैमरा लगे होते हैं, उसमें DVR होता है, उसमें आपका एक डिस्प्ले होती है, वो सब जो है काफ़ी जो है खर्चे वाला काम है। लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है 4 कैमरे, अच्छे कैमरे इंस्टॉल करने में। वहीं पे एक आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप ये जो आपकी स्क्रीन पे एक कैमरा दिख रहा है आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं या डायरेक्ट जो है आप अमेज़ोन से परचेस कर सकते हैं। तो आप इस सिंगल कैमरे को अगर अपने सेंटर में इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आप जो है इसको अपने मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया, आप जहाँ भी बैठे हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो आप जहाँ भी बैठे हो आपको अपने इस एक मोबाइल फ़ोन में इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और आपको इससे कनेक्ट करके इंटरनेट के थ्रू आप इसको कहीं से भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट तो यही रहता है कि आप अपने सेंटर पर जो CCTV कैमरा का पूरा कॉम्बो पैक आता है, एक बुलेट कैमरा, 2 डोम कैमरे, या जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट है वो आप अपने सेंटर पर इंस्टॉल कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपको अब अपने सेंटर पर रेट लिस्ट का लगाना बहुत ज़रूरी है। एक रेट लिस्ट आपके अंदर लगी होनी चाहिए, एक बाहर लगी होनी चाहिए। अगर बाहर नहीं है तो कम से कम आपके सेंटर के अंदर रेट लिस्ट आपको लगी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को पता रहे कि आपके यहाँ जो कस्टमर कोई काम कराने आ रहा है उसका क्या कॉमन रेट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी ओवर चार्जिंग की शक होने की वजह से आपके जो CSE सेंटर है उस पर कार्रवाई हो सकती है और आपका सेंटर परमानेंटली बंद भी हो सकता है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। समझ लीजिए अच्छे से कि आपको अब जो है अपना CCTV कैमरा इंस्टॉल करने हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, रजिस्टर आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। जल्दी से आप अपने CCTV सेंटर पर फटाफट से आप सबसे पहले CCTV कैमरा लगाएं। आपको दोनों ही कैमरास के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कॉम्बो पैक जिसमें आपका DVR, CCTV कैमरा, केबल, वायर सब कुछ आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो 360 रोटेशन वाला कैमरा है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, अपने आप से इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इसमें इशू नहीं है। तो बस मिलेंगे नए अवसर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।